राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने श्री राम को लेकर विवादित बयान दिया है। पार्टी के बयान के बाद देश के संतों में रोष देखने को मिल रहा है। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र आव्हाड ने श्री राम को लेकर विवादित शब्द कहे, जिसके बाद संतों ने श्री राम विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल आज हरिद्वार में संत सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी संत जुटे और श्री राम को अपशब्द कहने वालों पर जमकर प्रहार किया गया। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन लोगों को ना समझ है वो ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन राम हमारे इस देश में सभी हिंदुओं के हृदय में विराजते हैं, इसलिए राम के ऊपर टीका टिप्पणी करने का मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राम इस देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है। इसलिए राम का भव्य मंदिर निर्माण हो गया है और उसका निश्चित रूप से 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरा विश्व उसको देखेगा। अस्तित्व तो वो लोग सूर्य के ऊपर भी उठा देते हैं, लेकिन बादलों में जैसे थोड़े समय के लिए सूर्य छुप जाता है, उसका प्रकाश नहीं हटता, तो भगवान राम उनको भी सद्बुद्धि देंगे। कोई कबीर जी ने कहा है, कबीरा निंदक नीड़े रा क्यों आंगन कुटी समाये। तो रामा जो हमारे यहाँ परंपरा है, रामानंदी है, रामानंद जी महाराज के शिष्य थे, तो ये भगवान राम की प्रेरणा से उनको ऐसी प्रेरणा आ रही है, क्योंकि निंदा करने वाले भी चाहिए ताकि हमारे कार्यों में अगर कोई बुराई है उसका हम सुधार करें। ये तो जो बकवास कर रहे हैं, इनकी सोच पे सवाल उठता है कि कौन सी मानसिकता से और कौन सी विचारधारा से। अगर यही बात कोई मस्जिद बननी होती, कोई ईसाई का प्रभ बनना होता, तो उसमें कोई नहीं बोलता, लेकिन मेरे आराध्य प्रभु राम जी का मंदिर बन रहा है तो ये कटास करेंगे, क्योंकि इनके देने में ये चीज है, ये प्रभु राम जी के आराध्य है, और हम सब भारतवासियों को धूमधाम से अपने आराध्य का आगमन करना चाहिए।